जी, तो आपका डीबी हो गया? तो हाँ सर, मेरा डेली हो गया किस रीजन में था आपका डीबी? अच्छा सर। मेरा ये दिल्ली में पीजीआई कॉम्प्लेक्स। अच्छा अच्छा एनआर रीजन में। ओके, हाँ सर, एनआर रिजन में सर। तो कैसा रहा आपका डीबी का एक्सपीरियंस? डीबी तो ऑल ओवर ठीक था। दो तीन बार तो मुझे डांट भी मिल गई क्यों? सर। पहली बार तो मैं मतलब पोस्ट हो गया था, पता नहीं उन्होंने मेरा नाम कब बोल दिया था। सुनाई जी नहीं, जब भीड़ बहुत थी सर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जी हाँ, मेरी लिस्ट में तो सर मतलब मैंने सारे फॉर्म देखे तो कोई बंदा फ्रेंड नहीं था। अच्छा, सारे प्रेजेंट हैं। हाँ सर। सर आपसे एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा था। जी मेरा जो उन्होंने अपनी ओर से क्लियर लिख के दे दिया, तो सर आगे कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं, अगर क्लियर आता है तो कोई इश्यू नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो लिख के दे दिया, मतलब फॉर्म वॉर्म सब चेक कर लिया। और आपने जो आपको पता ही होगा, उन्होंने दो प्रिंट देते हैं, और एक प्रिंट में उन्होंने लिख के दे दिया योर मतलब ऑल क्लियर, ऐसा लिख दिया, योर ऑल केसेस ऑल क्लियर, ऐसा कुछ लिखा था। तो हाँ, तो क्लियर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब कोई तो दिक्कत नहीं आने वाली ना सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे बस ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मेरा थोड़ा सिग्नेचर जो पहले काफी मैंने पहले कर रखा था, क्योंकि जी मेरे को हुआ है मतलब ये फॉर्म जो अपना SSC जो अपना रजिस्ट्रेशन करता उसी वक्त का मैंने भर रखा था, 4 साल पहले का। तो जी कोई भी फॉर्म निकलता तो वही हम भर देते हैं। जी अब थोड़ा माइंड से मेरे सिग्नेचर निकल गया था, तो जी थोड़ा सिग्नेचर में जो ए होता है ना, मतलब पीछे का तो सब सेम था, बट मेरा जो ए होता है ना स्टार्टिंग, अरुण मेरा नाम है, तो सर मैंने जो थोड़ा ए स्टार्टिंग होता है ना उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 19-20 हो गया था। तो उस बात से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था सर, कहीं मतलब आगे कोई बात ना हो जाए। नहीं, तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं वहां पर? नहीं, कोई बात नहीं कहा उन्होंने, तो कोई बात नहीं अगर कहा। उन्हें कोई डाउट होता तो वो आपसे दो चार बार सिग्नेचर कराते आपके। हाँ, अच्छा ऐसी बात थी तो ऐसी बात है, क्योंकि इस वहां बात पे पे। मेन राइटिंग देखा जाता है ना। अगर उन्हें थोड़ा भी किसी भी चीज में, किसी भी पॉइंट पे अगर उन्हें इश्यू होता तो हाँ वो आपसे उस चीज में, वो आपसे कराते, नहीं तो आपको वो किसी में भी डाल सकते थे। ठीक है, तो आप जो अपना डीवी का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ब्रीफली शेयर करें, ताकि जो और भी बच्चे हैं जो डीवी देने वाले हैं उनको थोड़ा हाँ बहुत सर। आपसे सीखने को मिल सके। तो कितने टाइम पे आपकी रिपोर्टिंग थी और कितना टाइम सर लगा ओवरऑल आपको? नो आप मेरे को सर जो हम 2 बजे तो हमारी टाइमिंग थी, जी बट आज दिल्ली में ये जो थी जो जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसका सर्वर नहीं चल रहा था सर। तो हाँ जो 10 बजे वाले बच्चे थे उनका 3 बजे हो रहा था डीवी, तीन जी तीन बजे तक हो रहा था सर। हमारा 2 बजे था और हम वहाँ से निकले 5:30 बजे। 10 बजे आप इंटर किए थे और 5:30 बजे निकले थे। नहीं, मैं मेरा तो 2 बजे था सर। अच्छा, 2 बजे था तो आप हाँ, साढ़े साढ़े पांच पांच बजे मैं निकला हूँ। अच्छा, सर्वर ना काम करने की वजह से। अच्छा, हाँ नहीं, मेरा मेरे वक्त तो चल रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा डिले हो गया था। पुराने वक्त वो कर रहे थे जिनका सुबह नहीं हुआ था सर। अच्छा। हाँ, जब मैं अंदर गया तो फिर पहले तो मैं बहुत ज्यादा पीछे खड़ा था, तो फिर जी मन में आया एक बार जाके पूछ लूँ मेरा नंबर आया है नहीं आया। तो मैं जी गया उनसे, सर मेरा ये है बैच नंबर 5 है और ये बोर्ड नंबर है ये 15 है। तो सर जी बोल रहे तुम कहाँ थे भाई, डांटने जी लगे बहुत ज्यादा। तुम जी वहीं बैठे हो जहाँ बैठे थे, जरूरी है आना? आपने पहले नाम बोला होगा फिर। हाँ सर, हाँ पता नहीं सर, मैं तो जब से आया वहीं था। उन्होंने पता नहीं कब बोल दिया, मुझे याद नहीं है, बोला ही नहीं बोला जी उन्होंने, बोर्ड नंबर बोला। मैं फिर अंदर गया, फिर जी मैंने मतलब डॉक्यूमेंट सारे मेरे में, डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं, SC मेरा कोटा था सर, तो जी उसमें कोई इशू वाली बात नहीं थी, मेरा सब ऑथेंटिक था, मैंने करवा रखा था सब, और सब जी मैंने पहले से घर पे वेरीफाई कर लिया था, कहीं कोई मतलब चीज में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, मेरा एससी था वालों में तो कोई क्रूशियल डेट वगैरह का तो लफड़ा होता नहीं है? हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो OBC में होता है सर, ये नॉन वो ओबीसी में क्रिमिनल। प्रॉब्लम होती है। हाँ, हाँ नो, हाँ सर, तो क्रिमिलियर सर वगैरह मैं उसमें देखना हाँ हाँ पड़ेगा। राइट राइट सर, उसमें होता है, हमारे में नहीं होता। तो मैं अंदर गया सर, 3rd फ्लोर पे गया, उसमें भी जी मतलब बहुत ज्यादा रश था सर, जी बहुत ज्यादा कुर्सियां नहीं थी बैठने को। हाँ, क्योंकि वो पहले वाले जो थे बैच के वो बचे हाँ हुए वो थे भी उसमें। थे, हाँ सर, इतनी ज्यादा हाँ भीड़ थी। जी फिर मैं बैठा तो आधे घंटे बैठा, उसके बाद अंदर से फिर वो चिल्लाने आए कि बोर्ड नंबर 15। तो फिर वो जी भी आके सुना गए कि भाई जब से कहाँ से, बोला सर जी मैं आधे घंटे से बैठा हूँ आप आए नहीं हो। जी अपनी कमियां नहीं बता रहे थे सर, ऊपर से डांट रहे हैं, इतना तो सर कान कमजोर नहीं ना, बार बार ना सुनाई दे सर। जी अरे, फिर मैं वहां पे वहीं थोड़ा दोबारा बहुत बैठा। कॉपरेट करना ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा अभी। हाँ सर वही हाँ बात है कोई। फिर हाँ उन्होंने मुझे बुलाया और उन्हें फॉर्म दिया एक भरने को, तो फॉर्म मैंने भर दिया सब कुछ, तो सब जी ओके कर दिया। और जी सेल्फ अटेस्ट मैं पहले से करके लाया था, जी
हाँ, तो फिर मैंने दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, फिर सारे मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट थे फीड कर रहे थे कंप्यूटर पे, दोनों साइड स्क्रीन था, उनके जी साइड भी मेरे साइड भी, तो जी जो प्रिंसिपल भर रहे तो मतलब सब उन्होंने ओके भरा, तो उसमें इस बार कोई गलती नहीं की थी। जी हाँ, फिर उन्होंने भर दिया, और उन्होंने फिर सर ने बगल में सर बैठे थे, फिर उन्होंने चेक किया जी डॉक्यूमेंट, और उन्होंने पहले से निकाल दिया कि योर ऑल आपके जो भी जो डॉक्यूमेंट थे सारे वेरीफाइड है। हाँ, वो सारे क्लियर कर दिया वहां से। जी हाँ, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, फिर उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे, उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली। बट फिर मेरे को ना मन में आया कि मैं एक बार पूछ लूँ कि मेरा जी जो सर सिग्नेचर का कोई इशू तो नहीं बनेगा थोड़ा सा, तो जी मैंने सर से बोला, सर उल्टा भड़क गए, बोल रहे जी हैं भाई तुम्हारा तुम्हें बोल रहे कि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारे सिग्नेचर क्या है, लाओ लाओ जी अपना लाओ फॉर्म लाओ, तुम्हें रिजेक्ट कर देता हूँ मैं, लाओ। अच्छा मैं हाँ बोले मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता हूँ, तुम्हें खुद नहीं पता है तुम्हारा, वो डाल देता हूँ कि रिजेक्ट क्या बोलते हैं, यू आर नॉट वेरीफाई योर एडमिट का सिग्नेचर हाँ डाल देता हूँ, जो करना कर लेना वार। ऐसे मतलब ऐसे धमकी दे रहे थे, मतलब सर एक बार अपने आप को मतलब कि अपने आप को आश्वासन नहीं दिला सकते ऐसे लोग हूँ, बस मैं इतना बोला, इतना प्यार से बोला, सर मुझे एक बार देखना है, कोई बस एक बार बात दिला नहीं, दो। कोई दिक्कत तो नहीं। जी नहीं सर कोई, उन्होंने फिर मेरा घर से मैं हाथ जोड़ने लगा, सर ऐसे हाथ जोड़ा हूँ सर, मैं उनके सामने हाथ जोड़ा, सर ऐसी ऐसी बात है, बस मुझे बस देखना था, तो जी उन्होंने मेरा फॉर्म ले लिया था फिर, हाँ, लेकिन कुछ किया नहीं, तो मैंने हाथ तो ठीक है, जोड़ा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था वहां पे। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो क्लियर दे रहे हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। हाँ वहां पे ये अगर बट डाउट होता हाँ है तो कोई दिक्कत, वहां पे वो खुद हाँ तो फिर आपको वो वो कर देते हैं। हाँ खुद बोलने की आप ऐसे चिल्ला रहे हो, मैं बोला सर मैं अभी जब चिल्लाया नहीं आपका आपके पास डाकू में। जब आपका वहां पे दोबारा वेरिफिकेशन हो डिपार्टमेंट में, तो इस चीज का हाँ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ सर अब तो ध्यान दूंगा। फिर तो उन्होंने तो बोला अटेंडेंस कि, फिर जी। हाँ मैंने अंदर गया, फिर वो मुझे चिल्ला बोले तुम खुद ही ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारा वेरीफाइड नहीं है, चार बच्चे बैठे देख लो, सर बोल रहे हैं हाँ क्या भाई इसने क्या बोला, इसने क्या जी बोला, ऐसे बोल रहे हैं, देख लो चार बच्चे मेरे पास गवाह हैं, तू खुद बोल रहा भाई तेरे वेरीफाई नहीं। बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको मेरा फर्स्ट ईयर देख लो, सेकंड ईयर देख लो, थर्ड ईयर देख लो, मेरे फोटो देख लो, मेरे फिंगरप्रिंट देख लो, जो आपको देखना है सर देख लो, बस मन में एक इच्छा थी, मैंने पूछना आपसे पूछा, बस ये मैंने जी आपको बताया। तो जी इतनी बात मैं मतलब बोला, तो उसने मतलब मेरा फॉर्म लिया और दोबारा मुझे दे दिया, बोल रहे हैं आप अरे, लोग जितना काम करो आप उतना सच करते हो, आप वो सामने वाले जो एजुकेशन हो जाता है ना, इस वजह से किया, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जब हाँ बोले इतना सामने ज्यादा सामने लोग लो, आते हैं ना, तो वो लोग भी थोड़ा हाँ परेशान हो जाते हैं, बाकी कोई इश्यू नहीं है। हाँ अब तो बोले इतने लोग हैं, अब क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेकर काम कर रहा हूँ। जी, हाँ तो सर ये बात हुई थी, तो मतलब ये तो मतलब मुझे ये बताइए कि कई वहां जगह पे अटेंडेंस कितनी थी? जी सर अटेंडेंट मेरे एससी वाले में मैंने तो देखा सर पूरी थी, जैसे मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं था, मैंने वो नहीं देखा कि कोई बच्चा इसने जिसने छोड़ रखा हो। वहां पे तो एक जैसे 20 बैच होते हैं, लगभग बीस बीस हाँ सर बच्चों बहुत के बोल बनाते दो हैं ना सर, बैच, आप और ये मान के लगभग चलो 20 होते हैं। काफी ज्यादा भीड़ थी, ये अच्छा, मैंने आप हाँ मैंने जितना देखा सर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जी बैठने तक बाहर जो हम एसएससी का जो ऑफिस है बाहर बच्चे खड़े थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी। अच्छा। जैसे आपका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 2 बजे था, 2 बजे था, मेरा नंबर 4 बजे आया। नंबर 4 बजे आया था, तो आपको हाँ एंट्री सर कितने टाइम मिली थी? 4 बजे। हाँ मतलब 4 बजे फिर मेरा काम स्टार्ट किया, अच्छा वो अच्छा फॉर्म दिया भरने को, 5:30 बजे मुझे फ्री किया। हाँ, वो लेट हो गया था, उस वजह से ऐसा हुआ होगा। हाँ सर तो मतलब कुल जो मिला के भी, मुझे 3.5 घंटे लग गए पहले। अच्छा हाँ अच्छा जिन लोगों का आपने वीडियो देख डीवी आगे होने वाला है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, यही बोलूंगा कि भाई जिसका एक बार पहले तो यही है सर, जिसका डॉक्यूमेंट मतलब ऑलरेडी सही है उसको कोई दिक्कत नहीं है, और अपना हाँ, सिग्नेचर भाई सिग्नेचर थोड़ा ध्यान देना, और यही और कोई बात नहीं है, सिग्नेचर और सिग्नेचर रिटर्न तो यार सबका भैया सही होता है, सिग्नेचर 19-20 कर देंगे कोई बात ना बना दे। में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत वो होता है, बाकी मेन होता है आपका फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट अगर हाँ वही ओरिजिनल हाँ सर होता है, अगर हाँ उसमें डिसमैच होगा तो आपको कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। नहीं सर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मुझे पता है सब कुछ होने वाला नहीं है, बस साइन हाँ वाला सर 2.5 साल हो जाते हैं, 2.5-3 साल साइन दिमाग से उतर जाता है ये चीजें, बंदे तो महीने हाँ, महीने में साइन भूल जाते हैं। अब बिल्कुल वही बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारा तो हम तो ये तो है नहीं सर ऑफिस, सरकारी ऑफिस में कि रोज हमें साइन मारना है, जी। तो पता नहीं फिलहाल सर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आपने अपना डीवी का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत हाँ सर धन्यवाद, ठीक है?